गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूँ, लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है, और मैं आशा करूँगा कि यहाँ की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही NDRF की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहाँ पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है, बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहाँ पे है। आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक NDRF की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहाँ पर जाए। मैं शुरुआत में भाजपा के सांसदों और हमारे इंडिया अलायंस के सांसदों और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता चाहूँगा कि वो इस चुनाव में जीत के आएँ, और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इससे पहले दो जो चुनाव हुए, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, अगर वोट अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं। आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं, 30,000 वोट से आए हैं, 5,000 वोट से आए हैं, आप अपने बल पे आए हैं, किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं, आप अपने बल पे आए हैं, और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं सिर्फ इंसान है। ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस देश के आम नागरिकों का जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है, और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं, और देश के लोगों को आपके जरिए ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछले दलित वंचित अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम पे हम ये चढ़ते जाएंगे, इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे। हम आवाज़ बन के रहेंगे उन देशवासियों की जिनकी समस्या ना आज इस सदन में व्यक्त होती है, ना अखबारों में व्यक्त होती है। हम आवाज़ उठाएंगे उन गरीब लोगों की जो आज अस्पताल में लगभग 6-6 साल उनको रुकना पड़ता है पर उनको सर्जरी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। हम आवाज़ उठाएंगे वो सड़क पे सोते हुए युवाओं की, लोगों की, जिन पर एक अमीर का गाड़ी, एक अमीर बाप का गाड़ी, का बेटे का गाड़ी रेंगते हुए उनको मार देता है, और फिर वो बेटा बाद में बेल पर निकल जाता है, और उन जो लोग जो सड़क पर सोते हैं आज उनके बारे में कोई नहीं सोचता। हम बात उठाएंगे उन छोटे दुकानदारों की जिनका दुकान, सालों का दुकान आज टूट जाता है जब एक मंदिर का विस्तार होता है। हम बात उठाएंगे उन बेरोजगार युवाओं की जो आज वीजा भटक के संघर्ष में आज वो कभी पनामा के रूट से अमेरिका में जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी मिडल ईस्ट जाते हैं। आज यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का युवा आज उसको देश के अंदर नहीं, अगर रोजगार मिलता है तो विदेश में मिलता है। हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ उठाएंगे उन बच्चों की जो आज रो रहे हैं, सालों की मेहनत आज उनका व्यर्थ हो गया है जब नीट का ये पेपर लीक हो गया है। हम बात उठाएंगे उन जवानों की जो आज जम्मू में जिनकी आज शहादत हुई है। हम बात उठाएंगे उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की जिनका पैसा आज हम देख रहे हैं कि कहीं बिहार पर पुल गिर जाने पर उनका टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है, तो कहीं एयरपोर्ट का टर्मिनल लीक होने पर उनका टैक्स पेयर का पैसा व्यर्थ होता है। पर हमें यह भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना रवैया नहीं बदलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ED और CBI के साथ, लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ED और CBI से डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का,
वो हमने प्रचार में भी देखा, बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाथा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए मैं देशवासियों के प्रति मैं बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नज़ारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहाँ पे सत्ता पक्ष हो, जहाँ पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो का विपक्ष को। और इसीलिए आज में देश बदल चुका है उत्तर पूर्वांचल से, जहां से आज मणिपुर के दो सांसद हम जीत के आए हैं। नागालैंड में हम पिछले बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो वो 1996 में थी, अब आज दोबारा हम 2024 में जीत के आए हैं। मेघालय में इनके जो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं, वो पिछला सीट हम 1996-98 में हम जीते थे, आज दोबारा वो टूरा लोकसभा सीट हम जीत के आए हैं। आज NDA को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है, मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में एक सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये बदलाव लाने के लिए वे सारे जो समाज के अन्य विभिन्न वर्ग हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। वे हजारों लोग जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे चले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने निष्पक्षता से अपने पत्रकारी का जो उन्होंने जिम्मेवार उन्होंने उठाया। आज एक संदेश गया उन पत्रकारों को जिनको हौले हौले प्रधानमंत्री मोदी जी से प्यार है, एक संदेश गया उन पत्रकारों को जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, कि अपनी पत्रकारिता पर ध्यान दे नहीं तो लोग आपको देखना बंद कर देंगे। मैं आज युवाओं को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपना विवेक का इस्तेमाल किया। मैं उन सनातन धर्मों को मानने वाले लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज नफरत और हिंसा पर नहीं लेकिन धर्म जो हमें सिखाता है इंसानियत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत के आदर्शों को हमें सिखाता है, समाज एक आदर्श बने वो हमें सिखाता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके द्वारा, मैं अंत में आ रहा हूँ सर, लास्ट के दो तीन चीज़ें बोलना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बार बार बात करते हैं कि हमने एक नया सदन बनाया, लेकिन क्या ये उचित नहीं होता कि चाहे पुराना सदन हो चाहे नया सदन हो, इन दोनों सदनों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हमारे सदन के सामने होनी चाहिए थी? क्या ये उचित नहीं था कि चाहे नया सदन हो, ये स्पीकर का फरमाइश होता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपनी व्यथा गुजारिश कर रहा हूँ। मैं स्पीकर महोदय को आपके द्वारा गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले के तरह सदन के सामने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति को रखिए और पहले के तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं स्पीकर के निर्णय का सम्मान करते हुए उनके मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी भी बात सुने, हमारी भी जो एक चेयर पे हूँ, मैं चेयर पे हूँ तो अगर आपने स्पीकर से गुजारिश की तो सुन लीजिए। आपने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति यहाँ जो स्थापित थी स्थापित होनी चाहिए। आपको भी निमंत्रण गया होगा, इस पार्लियामेंट में पहली बार सारे महापुरुषों का, बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के, एक बड़ी वीथिका बनाई गई है उसी संविधान भवन के साथ,
और जिसका उद्घाटन हुआ पिछले दिनों, शायद आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ हो गई कि कोई भी बाहर का डेलीगेशंस या हमारे खुद मेंबर पार्लियामेंट या बाहर के लोग आएंगे तो उनको इस संविधान भवन, इस पार्लियामेंट के साथ साथ अपने देश के महापुरुषों को एक साथ सारी प्रतिमाओं को ढंग से रख करके पार्क बनाया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष। सभापति महोदय, मैं बस गुजारिश कर रहा हूं, आप हमारी भी बात रखने, आप सुनिए कि सदन के सामने अगर प्रेरणा स्थल बनाना भी हो तो सदन के सामने जहां पे उनका स्थान है, जहां पे उनके इतने सालों से जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति को स्थापन करने के लिए एक पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था, उस स्थान को एक वजह के से चुना गया था कि वो सदन के सामने हो, क्या ये उचित नहीं है? क्या ये हमारे गरिमा के अनुसार नहीं होना चाहिए कि सदन के सामने जिस हमारे